रे हम सदके तुम्हारे। ये वही साहबजादा ना जिसे लिखने का, शायरी वगैरह का शौक? जी। कोई पर्चा, कोई रिपोर्ट? ना कोई पर्चा था ना रिपोर्ट। डेस्क में एसपी कौन है? मिलाओ मुझे। आप चाय पिए ना? जी। मैं भी देख लेता हूं। कल भोपाल वाला से तुम किसी खलील नामी लड़के को पकड़ कर लाए थे। झूठ बोलोगे तो इंक्वायरी बिठा दूंगा, केस टर्मिनेशन के लिए भेज दूंगा, इसलिए सिर्फ सच। जी सर। भोपाल वाला तुम्हारी पीठ में नहीं है, तुम उसे पकड़कर यहां ले आए, 2 घंटे तक थाने में रखा। यस सर। नो। यस सर। क्यों, कोई पर्चा है उसके खिलाफ? नहीं सर। 2 बार उसे मारा इसलिए कि वो चीख नहीं रहा था। दूसरी बार मौलवी साहब के कहने पे मारा था सर। तुम भी सामने आओ जरा। सर दूसरी बार उस बंदे को SHO साहब के कहने पर मारा था। SHO के जाती मुलाजिम अपनी जेब से तनख्वाह देते हैं SHO तुम्हें? ये वर्दी तुम्हें SHO ने दी है? नहीं सर। तो जाकर उतारो इसे। गलती हो गई सर। गलती हो गई, कोई बात नहीं, तुम ये वर्दी उतारो, अगली बार तुम्हारा बाप भी गलती नहीं करेगा। जाओ सर। और तुम भी, और आप भी SHO साहब, अपनी वर्दी उतार कर जाती कपड़े पहनिए और सब इंस्पेक्टर जावेद बिलाल के सामने पेश हो जाइए। जावेद। जी सर। नए SHO की अपॉइंटमेंट तक इस थाने का चार्ज तुम्हारे पास रहेगा। इन तीनों को गिरफ्तार करके हवालात में डालो। राइट सर। ऑर्डर की कॉपी भिजवा रहा हूं, इनके दस्तखत लो, कार्रवाई मुकम्मल करो और मुझे रिपोर्ट करो। राइट सर। पेटी उतर गई मामा जी की और गिरफ्तारी हो गई है। क्या हुआ? तेरे मामा की पेटी उतर गई है, उन्हें गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था, और आप भी एक बात याद रखना, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो उसका गिनकर हिसाब लेगा। तू कुछ कर हुमेरा, मैंने सुना है वो तुझे अपनी छोटी बहन मानता है। मैं भी उसे भाई कहती हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, तू उसे मना और उसे कह कि तेरे मामा जी को माफ कर दे। पहले मुझे तो मना लो अम्मी जी, भाई को थाने में बंद करके जलादों की तरह मारोगे तो बहन करेगी माफ? सुनेगी आपकी बात? देखो मेरा, मेरी माँ का जाया है वो, गलती की है उसने, जुल्म किया है, पर हर जुल्म की माफी होती है। तू शानू से कह कि वो तेरे मामा जी को माफ कर दे। नहीं करूंगी, और इस तरह की कोई भी बात से ज्यादा जरूरी ये है कि आप मुश्ताक से जाकर कहो कि बलगन या बलगन के रास्ते में उसको नजर ना आए। इस बार वो शानू से मिलने नहीं आएगा, मुश्ताक को ढूंढने आएगा, फिर जो अल्लाह को मंजूर। ये कहेगी तो जरूर सुनेगा वो। वलीमे पे नहीं जाना? अरे सिगरेट पी रहे हो, पहले खारिश पड़ी हुई है, अब मुंह से बू भी आएगी।
बैठ। बैठ के क्या करूंगी, 12 बजने वाले हैं। ये सिगरेट क्यों पी रहे थे? फिर तूने उसको क्या जवाब दिया था? किसको? भाई अब्दुर्रहमान को। इनकार कर दिया था मैंने? मैंने तो कह दिया टोटे करके फेंक दूंगी पर शानो खलील को नहीं दूंगी। नहीं यार, वो वाली बात तलाक वाली। अच्छा, तो उस बात को पकड़े बैठे हो आप। खुदा का खौफ करो ठेकेदार साहब, जवान बच्चे हैं मेरे और जवान बच्चे हैं उसके। अब कोई सोच सकता है इस तरह की बात? बस बच्चों की वजह से। मेरा मतलब यह है कि जब उसने तुझे ये कहा कि मैं अपा ने आयत को तलाक देता हूँ और तू अमीन से तलाक ले ले, तो तूने कहा कि खुदा का खौफ कर, हमारे जवान बच्चे हैं। मैंने कहा फिट्टे मुंह हो आपका। जुरत कैसे हुई आपकी इस तरह की गंदी बात करो मेरे साथ? अभी बताती हूँ अमीन साहब को। फिर तो हाथ जोड़ने लग गया, बोला अमीन को ना बताना। उस वक्त तो मैंने कह दिया नहीं बताऊंगी, याद नहीं। फिर फटाफट उठ के चला गया, जाते हुए देखी नहीं थी पुर्तियां उसकी। बड़ा कमीना आदमी। और मेरा जर्व देख, मैं तो मान गया था कि चलो शानो खलील को दे देते हैं। अब मैं बताता हूं उसको, इस दरवाजे पे कदम तो रखे वो या उसका खलील जलील करके निकालूंगा मैं। चलो कपड़े पहन लो, वलीमे का टाइम होने वाला है। ला कपड़े। शानो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरा। अंदर आ जा। सलाम खाला। वालेकुम। कैसी है तेरी भाभी? सोनी है। चल अब जाकर पंखी पहन ले। मैं भी बस तैयार होने लगी थी, कपड़े चेंज कर लूँ फिर एक साथ चलते हैं। शानू, मामा जी की नौकरी गई, बेटी वर्दी उतर गई, अब मुलजिमों की तरह अपने थाने में हवालात में बैठे। अल्लाह बंदे को हथियार देकर आजमाता है या प्यार देकर? कोई प्यार जोगा नहीं होता तो कोई इख्तियार जोगा नहीं होता। तू कहेगी तो माफ कर देगा? यहाँ ये कहने नहीं है कि माफ कर दे, बस तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। मैं कहूंगी तो मेरे अम्मी अब्बा जी को माफ कर देना। पता है उस दिन जब खून में लथपथ होकर आया था, मेरे सामने जम कर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कल जब वो लंगड़ा रहा था देखकर मेरी जान निकल गई। शिकायत करने वाला नहीं है, हो सकता है खालू जी को पता चल गया। अब्बा जी कहते हैं कि खालू जी बड़े ताल्लुकात वाले हैं। शानू, तू वलीमे पे मत आना। क्यों? अम्मी तल्ला करेगी, कहेगी मेरी माँ का जाया हुमैरा का मामा है, खलील से कह माफ करता है, नहीं आऊंगी। पर सुन, वो तेरा कजन है ना, क्या नाम है उस कमीने का? रुश्ताक। हाँ, उसको कोई समझा दे कि फिर बलगन में नजर नहीं आए उसको। हम्म,
कौसर के हाथ खाना भिजवा देना मुझे। और सुन भाई जी, आसिफ से कहना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कह दूंगी। मेरा क्यों आई थी? कहने आई थी कि वली में पना आना। उसके मामा जी की वजह से? हाँ जी। लगता है अभी तक उनका गुस्सा नहीं उतरा। गुस्सा उतर गया, बल्कि अब तक तो नशा भी उतर गया। क्या मतलब? पेटी वर्दी उतर गई है ना उसकी, अब वो खैर से थानेदार नहीं रहा, मुलजिम बनकर हवालात में बैठा। फिर ये क्यों कहने आई थी कि तुम वलीमे पर ना आना? डर गई थी कि अगर मैं जाऊंगी तो उसकी अम्मी मेरा तरला करेगी, कहेगी कि मेरी माँ का जाया है, वो मेरा का मामा है, खलील से कह माफ कर दे उसे। तो तुमने इनकार कर दिया? और मैं क्या करती अम्मी जी, अब ये बात मेरे बस में नहीं है। बस में क्यों नहीं? तेरी तो हर बात मानता है वो। वो मानता है ना अम्मी, मैं तो अपनी हर बात नहीं मानती। वो मेरा का मामा है तो होता रहे, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके मीने की बोटियां नोच लूं। जल्दी कर लो, वलीमा शुरू होने वाला है। आप रोएंगी ना तो मैं हल्दी का दूध नहीं पीऊंगा। आप जब भी बैल गिर जाते हो मार खा कर ही आते हो। प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करोगे? अब कभी मार खा के नहीं आऊंगा। अच्छा चलो अब ये दूध पियो और अम्मी को जाकर चुप करवाओ। जब बेटा माँ को रुलाए खुदा उसे हंसी देता। तो न रुलाओ मुझे। ये पता तो नहीं था अम्मी जी, सोचा था उससे शादी करूंगा तो सबसे ज्यादा खुशी मेरी माँ को होगी, इसीलिए तो प्यार किया था उसके साथ। झूठा, ना जाया कर वो। एक से एक सोड़ी है लाहौर में, हया वाली, प्यार करने वाली। शामा तेरे लिए जिंदगी नहीं है खलील। ये बात तो फिर खुदा से पूछनी पड़ेगी। खुदा से क्या पूछोगे? पूछूंगा, लाहौर में जब एक से एक सोनी है, हया वाले, प्यार करने को, तो फिर खलील के लिए शामा क्यों जरूरी कर दी आपने? कुफर तो ना बोल। कुफर नहीं अम्मी जी, बंदा जब बेबस हो जाए समझो खुदा का दखल है उसे। मेरा बस चले मैं जाऊं बैल को, बेबसी ले जाती है मुझे वहां। हुक्म आता है कि चल,
करना चल पड़ता। ना किया कर ऐसी बातें, तेरे जख्म देख देख कर मुझे जिया नहीं जाता। खेलो आप कह दो, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और कितने जख्म खाओगे, कितनी बार जाओगे और सुनकर आओगे कि शानू तुम्हें नहीं मिलेगी। पता है अम्मी जी, जब खाला जी छाती पर हाथ मार कर गरीब से कहती है ना शानू खलील को नहीं मिलेगी, तब भी मैं बहुत खुश होता हूँ। पता है क्यों? क्यों? शानू के साथ नाम लेती है मेरा। शानू खलील कहती है तो मुझे लगता है कि आगे मैंने कुछ सुना ही नहीं। खलील, डॉक्टर साहब की बात को गौर से सुन। तेरे जख्म सिर्फ तुझे तकलीफ नहीं देते, उनका दर्द तेरी अम्मी जी के कलेजे में भी उतना ही होता है, और शानू के दिल पे भी बहुत सख्त चोट लगती है। मुझे पता है। कख पता है तुझे? तुझे सिर्फ ये पता है कि जख्म लगते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, पर उन दोनों के जख्म ठीक नहीं होते। माँ डरती है कि अगली बार जाएगा तो कोई खबर आएगी, और वो डरती होगी कि इस बार आएगा तो न जाने क्या होगा तेरे साथ। उससे अगर कहूँ ना कि जहर खा के मर जाते हैं, वो कहेगी चल मर जाए। मरने से पहले निकाह कर लो उसके साथ। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज की पाबंदी नहीं। कॉलेज लगने और छुट्टी होने तक 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे बहुत है। उसे मेरे गांव ले आओ, निकाह करके वापस कॉलेज छोड़ दूंगा। एक दिन पता क्या होगा, खालू अमीन अपनी टोपी उतार कर उसके पैरों पर रखेगा, इज्जत गैरत का वास्ता देगा उसे और कहेगा, उसे कह दो या ना आया करें। वो नहीं कहेगी। जानता हूं ये नहीं कहेगी, लेकिन अगर कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अपने कॉल से फिर गई या नीयत बदल गई उसकी, क्या मोहब्बत में कमी हो गई है। आखिर है तो लड़की में, भूल कर भी अगर वो टट जाए तो टूट सकती है, मुड़ जाए तो हार सकती है। कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं हारेगी। देख खलील बादशाह, मोहब्बत नहीं हारती, मोहब्बत नहीं टूटती, मगर मोहब्बत करने वाला हार भी जाता है और टूट भी जाता है। लोग अब लैला मजनू ससी पुनू जैसी मोहब्बतें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मर गए बस उनकी कुर्बानियां ही काफी। बैठकर फैसला कर, तुम्हें शानू चाहिए या शोहरत चाहिए। शोहरत? तुम दोनों मर जाओगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बाद में नाम आ जाएगा तुम दोनों, 4 लोगों में मशहूर हो जाओ कि 2 प्यार करने वालों ने एक दूसरे के लिए जान दे दी। खबर 2 दिन बाद पुरानी हो जाती है और लोग 4 दिन याद करके भूल जाते हैं। तुम जरा ये तो बताओ, जान दे दोगे तो मां को क्या देकर जाओगे? बख्तियार इसलिए ठीक कह रहा है कि तुम्हारी मां तो पहले ही अपने पिछले 4 बच्चों को याद करके रोती रहती है। जी अब्बा जी। बैठ जाओ, बैठ। ओ तेरी माँ, मैं मुना की दवा लेने गई थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही आज तुझसे बात करता। जी देख बेटा, वो तेरा खालू जो है वो
अच्छा आदमी नहीं है। खालू? लाहौर वाले खालू? हाँ। और मैं तो रिश्ता करने के लिए तैयार था और तेरी माँ को भी कहा था कि मान जाए, लेकिन वो खलील की बात करने यहाँ नहीं आया था। तो किसकी बात करने आए थे वो? अपने। तो तेरी माँ को कहने लगा कि मैं अपा अनायत को तलाक देता हूँ, तुम अमीन से तलाक ले लो, हम दोनों मिलकर शादी कर ले। तो तेरी माँ ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो उठ कर तेज हम तेज लाहौर चला गया। मुझे पता चल जाना था, मैंने तो गिरफ्तार पकड़ लेना था उधर ही उसका। सोच, मैं तेरी शादी खलील से कैसे करूं? मैं नहीं मानती अब्बा जी। तेरी माँ झूठ बोल रही है। इस बात को साबित कर दो अब्बा जी। खालू जी को बुलवाओ, मेरे सामने बिठा कर उनके साथ बात करो। बात सच्ची हुई तो कसम है कलमे की, जो कहोगी वो करूंगी। कमीने आदमी के लिए माँ को पंचायत में बिठाओगी? कोई पंचायत नहीं होगी अब्बा जी, आप होंगे, खालू जी होंगे, और मेरे और अम्मी के सिवा और तीसरा कोई नहीं होगा। बात हम चारों के सामने शुरू होगी और चारों के सामने खत्म हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, मैं उसको 20 आदमी को इतनी इज्जत नहीं दे सकता कि तेरी माँ के सामने बैठे। तो फिर समझ लो अब्बा जी, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। खालू जी ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। जो तुम्हारे खालू पर यकीन है, अपनी सगी माँ पे कोई यकीन नहीं है। तुम बेटी हो शानो या कोई डैन हो तुम? जी माफ कर दो अब्बा जी, मैं सिर्फ अम्मी के कह देने से ऐसी घटिया बात नहीं मानूंगी। ठीक है, आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं भी देखता हूं कि वो बद किरदार आदमी कितने ताल्लुकात वाला। क्या कहा है मैंने? आपने कहा है कि आज के बाद इस घर से कदम बाहर नहीं रखूंगी। और मेरा जवाब है कि मुझे मंजूर है अब्बा जी। बाजी अब्दुल रहमान वाली बात तो आपने निशानों से कर दी। मैंने सोचा था कि सच सुनते ही उसकी आंखें भी खुल जाएं। इसलिए बताया था मैंने आपको कि आप जाके इस बात को नशर कर दो। अपनी बेटी से बात करने गया था मैं, समझा था कि मेरी तरह सच सुनते ही उसका भी खून खोल जाएगा। आपका दिमाग खराब है अमीन साहब, उसको बताने का मतलब है अब बात लाहौर पहुंचेगी। अब्दुल रहमान को पता चलेगा तो गिरगिट की तरह रंग बदल के फौरन कह देगा। खुदा की कसम मैंने तो कहा ही नहीं था।
आपको नहीं पता कितना बड़ा झूठा है वो। तुझे अब तेरे बहन की पड़ी है ये सोच कि तेरी अपनी बेटी को तेरी बात का एतबार नहीं है। क्या मतलब? तेरी बेटी अब्दुल रहमान के खिलाफ कोई इल्जाम सुनने को तैयार नहीं है। उसके ख्याल में तू झूठ बोल रही है। पानी पिला मुझे, जल्दी करो पानी पिला। ये ले, पानी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। छत पे खड़े होकर जवान बेटी को ना मार। छत किसको काम आ रही हूँ नीचा? मैं तत्ती तो अपने नसीबों को पीट रही हूँ। नसीबों को माँ की बदुआ लगी है तुझे। केला अगरा को जाना तुम्हारा याद रखे तो चल चल। तेरे जैसी होती थी कुत्ती जिनको पैदा होते ही जमीन में दबा देते थे लोग। देखो ठेकेदार साहब देखो यही कहते रही है मुझे राउंड जाती है। उसने नहीं कहा था तो मैंने कहा था कि मुझसे शादी कर लो। पापा रिनाज को तलाक दे दो। मैं लूंगी तेरे बाप से तलाक है जिसने सारी उम्र मुझे रानी बना के रखा। मेरा तो बस नहीं चलता मैं इससे पैर धो धो के पीऊं। चल रशीदा चल। मैं तेरे कालू कमीने जैसे 10 अब्दुल रहमान अपने ठेकेदार के सर से मार दूं। मैं गैरते चल रशीदा। इस पर जादू टूना कर दिया उसने। इसका दिमाग नहीं इसके पास। चल तेरे मुंह तेरी शक्ल पे तू। समझते क्या ये लोग अपने आप को? मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इनमें से एक एक को देख लूंगी। क्या समझते हैं ये? अब लाहौर वालों से खुली जाएंगे मेरी। चल अंदर चल। लड़के ना दिखा तो हसनदीन की बेटी नहीं हूं मैं। ना कर शीदा, मैं तेरे साथ हूँ। किसी को बलगन में पैर नहीं रखने दूंगा। आप बीच में ना पड़ो। जाओ पिंडी जाओ अपना काम करो। लोरियों से मैं आप निमट लूंगी। ऐसे कैसे चला जाऊं? काम में दिल नहीं लगता मेरा। ऊपर से वो तेरे काबू में आने वाली नहीं है। काबू करना आता है मुझे। टांगे तोड़ के बिठा दूंगी वहां चूल्हे के पास। और अगर वो जलील भी आया ना उसको मिलने, छुरी मार के कलेजा निकाल दूंगी उसका। मैं अगली पीर को जाऊंगा। पहले मैं अब्दुल रहमान की बात का हिसाब कर। ना ना क्यों कह रही है? मैं बेजी से बात तो करूं जाके कल।
और बताओ उन्हें अब्दुर्रहमान के अंदर की कमीनगी। खुदा का खौफ करो। मैं खुदा का खौफ करूं? इस उम्र में इस तरह की बातें करोगे मेरे बारे में तो मेरे रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाऊंगी? और डरने की क्या बात है, तुम्हारा सर तो ऊंचा होगा कि एक बद नजर को तुमने ठोक के जवाब दिया ना। अब किस बात की ना करे? पता है कितना दलील बाज है अब्दुर्रहमान, अपना गुनाह छुपाने के लिए कहीं ये ना कह दे कि बात रशीदा ने कही ना। ठेकेदार साहब ना, मैं तो सुनते ही शर्म से मर जाऊंगी। और ऐसी बातों का नतारा कौन करेगा जिसमें खुदा के सिवा दूसरा कोई गवाही ना हो? पता नहीं वो तो झूठी कसमें भी खा लेता है। जिस दिन मुझे होटल लेके जा रहा था ना, रस्ते में 10 कसमें खाई है उसने कि रशीदा बस बातें करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें। तो इस तरफ सब झूठ। जल्दी करो खारा जी, 2 घंटे में बैगन पहुंचे। दूरी दरवाजा बंद कर ले। और कोई रास्ता नहीं है ना? मैं समझता था कि वो अपने गुनाह भूलकर पुरानी किसी बात का बदला ले रही है, लेकिन मैं इस बार उससे मिलकर आया हूं तो पता चला कि वो बदला नहीं ले रही, वो तो चोर बनकर दीवार पर बैठी है, इशारा मिलते ही नकब लगाएगी और लूट लेगी सब कुछ। ऐसे हालात में कोर्ट मैरिज कोई जुर्म नहीं, बीमारी में सुअर के गोश्त की तरह हलाल है। अच्छा खैर, जो अल्लाह को मंजूर। दो दिन से तेरे लिए वलीमे की रोटी संभाल कर रखी है, सोचा था तू आएगी तो मेरे साथ बैठकर खाएगी, पर तू आई नहीं। दरवाजा बंद कर, मुझे सर्दी लग रही है। दरवाजा बंद नहीं करना। क्यों? कोई छुपकर हमारी बातें ना सुन ले। कौन सी बात? तू खा, मैं बैठकर बातें सुनाती हूँ। और ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, कोई ऊपर ना आ जाए। नीचे तेरी अम्मी ने पूरे 5 मिनट इंक्वायरी की, फिर मुझे ऊपर आने दिए। मैं तो तभी समझ गई थी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। देख, तेरी पसंद का पालक गोश्त पकवाया है। बेवकूफ, पालक गोश्त तो उसकी पसंद है, इसीलिए कहा था जरूर बनवा देना। वो आया है बलकर, मास्टर शरीफ के घर बैठा है, तेरी खाला और डॉक्टर साहब भी आए। तो फिर वो सब यहाँ क्यों नहीं आए? वो आज यहाँ नहीं आएंगे, तुझे जाना पड़ेगा वहां पर। मैं नहीं जा सकती। जाना तो पड़ेगा, यही समझ ले कि इम्तिहान है तेरा। मुझ पर पाबंदी है मेरा, अब्बा जी ने कहा है मैं एक पैर भी बाहर नहीं रख सकती। तो कौसर से बात कर। कौसर से क्या बात करूं? आखिर अम्मी अबू ने सो ही जाना है ना, कौसर दरवाजा खोलेगी और बंद करेगी। मैं ये नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा अड़िए, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फजर की नमाज तक है वो यहाँ पर,
आज अपनी मर्जी से आए ना तेरे कहने पर। दिल बुझा हुआ है उसका, सर झुका कर बैठा। चल मैं चलती हूँ। और जब मैं आई थी तो 10 बज रहे थे। वो आएगी किसके साथ? रात के 12 बजे, कम से कम 4 फरलॉन्ग दूर है मास्टर साहब का घर। मैं जाता हूँ। तू जाएगा तो बड़ी मशहूरी होगी, चौकीदार देखते ही पहचान लेगा। चलो बहन जी, आप चलो मेरे साथ। मैं चलती हूँ। और अगर वो ना आई तो? आएगी। बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। देखो खुला है या ऐसे मुझे शक हो रहा के तुम्हारे।